वेल हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GA12 को, यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड 12% को। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें और ग्लाइकोलिक एसिड 6 में, यानी कि GA6 में क्या फ़र्क होता है, इसे किस तरह से अप्लाई करना होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन को अप्लाई करना होता है, किन को अप्लाई नहीं करना होता है। इन दी एंड मैं आपके मन में कुछ उससे सवालों को एड्रेस भी करूंगा। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, सबसे पहली चीज़, ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है। देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि AHA की कैटेगरी में आता है। जनरली एसिड्स के 3 टाइप होते हैं, AHA, BHA एंड PHA। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सबसे लोअर कैटेगरी के एसिड्स में आते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, एसिलिक एसिड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड को जो ड्राइव किया जाता है वो शुगर केन से किया जाता है, और ये बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है जो कि आपकी स्किन को चीरता हुआ अंदर की लेयर पे जाता है, और आपके एक्ने के स्कार्स हो गए, आपकी अनइवननेस हो गई, या फिर टैनिंग के जितने भी स्कार्स कह लो, या जितने भी आपके फेस पर टैनिंग हुई है, अनइवननेस है, उसे हटाने का प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है फोटोस्टेबल इफेक्ट की तरफ, यानी कि यूवी रेडिएशन की तरफ। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन लगानी होती है, और इसी वजह से जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे, वो भी अक्सर आपको ये चीख चीख के बोलेंगे कि सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है अगर आप इस तरह की कोई भी क्रीम लगाते हैं, क्योंकि ये हो गया या और भी कोई क्रीम हो गई इस तरह की ओवर द काउंटर जो मिलती है, वो सनस्क्रीन के साथ ही लगानी होती है। बिना सनस्क्रीन के लगाएंगे तो आपकी यकीन मानेगा स्किन खराब हो जाएगी। तो ये है यार वो ग्लाइकोलिक एसिड 12 क्रीम। अब इसमें और ग्लाइकोलिक एसिड 6 में क्या फ़र्क है, बस परसेंटेज का फ़र्क है, नाम से समझ में आ रहा है। इसमें आपको 12% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है और उसमें आपको 6% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। तो 12% जो है काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है उन लोगों के लिए जो पहली बार इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक लोअर परसेंटेज से शुरू करना चाहिए, आइडियली 1-2% से शुरू करिएगा, लेकिन आप 6% से भी कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड 6 को आपको वीक में एक या हद से दो बार यूज़ करना होता है, एंड अगर इस क्रीम की बात करें तो इसे भी एक या हद से दो बार ही यूज़ करना होता है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। अगर यूज़ करेंगे तो पील होने शुरू हो जाएगी स्किन। तो यार ये है वो क्रीम, और मैं बता भी देता हूँ कि ये क्रीम एक्चुअली में 12% में क्यों आती है। ये उन लोग के लिए आती है जिन पर कोई भी असर नहीं हुआ होता पास्ट में, उन्होंने 6% भी अप्लाई करके देख लिए होते, तब उस कंडीशन में ही डॉक्टर्स ये जो क्रीम है सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जिनके एक्ने के स्कार्स हुए हैं, या फिर टैनिंग है, या फिर कुछ ऐसा स्कार है जो कि नहीं हट रहा है। तो वो लेज़र जो होती है हमारी CO2 लेज़र या इन्फिनी लेज़र, उसके ज़रिए और इस क्रीम के ज़रिए इसे हटाने की कोशिश कर। ये बहुत डीप की बात है, जस्ट इन केस आप अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस तरह की कंटेंट को सुन रहे हैं, आपको ये क्रीम नहीं लगानी, सिंपल सी सिंपल चीज़ ये है। तो यार इस तरह का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाता है, दिखा देता हूँ आपको, टेक्सचर इस तरह का देखने को मिल जाता है, और ये आराम से आपके हाथ पे स्प्रेड भी हो जाती है। वीक में आपको एक बार लगानी है, दैट्स इट। एंड दिन के टाइम हमेशा आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही करनी है, वरना आपकी जो स्किन है वो ख़राब परमानेंटली हो जाएगी। ये डैमेज जो होगा वो परमानेंट रहता है, क्योंकि ये स्किन को इतना ज़्यादा सेंसिटिव कर देती हैं क्रीम्स। अब बात कर लेते हैं वो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको इस तरह की क्रीम के साथ नहीं लगाने कभी भी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। किसी भी हालत में आपको विटामिन सी का सीरम या कोई भी क्रीम ग्लाइकोलिक एसिड के साथ नहीं मिक्सअप करके लगानी है, रिएक्शन हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है आपका विटामिन बी। विटामिन बी से लेस कोई भी क्रीम या विटामिन बी से लेस कोई भी सीरम आपको नहीं लगाना है। थर्ड इंग्रेडिएंट आता है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगाना है, चाहे 6% हो, 12% हो, या 1% या 2% हो। अगर हम बात करें कुछ साइड इफेक्ट्स की, इस तरह की क्रीम्स के क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको स्किन पे इरिटेशन देखने को मिलती है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, कई कई केस में आपकी स्किन पे पपड़ी बन के निकलनी भी शुरू हो जाती है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में क्रीम लगा लेते हैं। एंड साथ के साथ ही आपकी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप धूप में जाएंगे आपकी स्किन काली होनी शुरू हो जाएगी दिन पर दिन। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है तो आपको जो है ये क्रीम लगाना बंद कर देना है, और हमेशा ये जो क्रीम्स है या इस तरह की क्रीम्स हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही आपको इस्तेमाल करनी है। आपका फेस है, कोई टेस्ट ट्यूब का लैब नहीं है जहाँ पे आप फेस में क्रीम लगा लगा के टेस्टिंग कर रहे हैं कि अच्छा ये वाली क्रीम बढ़िया काम करेगी या दूसरे वाली क्रीम बढ़िया काम करेगी। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि कितना टाइम लेती हैं इस तरह की क्रीम्स आपके चेहरे पर वर्क करने के लिए। तो देखो यार, सिंपल सा इसका आंसर ये है कि आपकी सिवेरिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके जो स्कार्स हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं तब ज़्यादा टाइम लेती हैं क्रीम्स। अगर नॉर्मल एक्ने के स्कार हैं तो अराउंड 6-12 हफ्ते के बाद आपको एक विजिबल चेंज देखने को मिल ही जाता है। नंबर 2, क्या इसे प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं महिलाएं? नहीं लगाना है,
और अगर आपने सोच लिया है लगाऊंगी मैं, तो आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही इसे लगाइएगा। नंबर 3 पे मुझसे पूछा जाता है कि मेरे भैया एक्ने भी है और उसमें साथ के साथ ही ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने एक्ने को ठीक कर लो, एक्ने एक बार ठीक हो जाएंगे देन आप अपने ब्लैक स्पॉट्स पे काम कर सकते हैं। वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, दैट्स माई स्ट्रैटेजी। अब अगला सवाल मुझसे पूछा जाता है कि कौन कौन से एरियाज में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो भी एरिया हैं जो काले पड़ चुके हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट योर मेन पॉइंट्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। एंड साथ के साथ ही आप इसे अपने डार्क टकल्स में, नीज़ में, अगर आपके हाथ काले हैं तो वहाँ पे, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपको शुरुआत जो करनी है हमेशा लोअर परसेंटेज से करनी है। ऑलराइट गाइस, तो ये था इसका कंप्लीट रिव्यू जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है कि किस तरह से ये इफेक्ट कर सकती है और किस तरह से ये साइड इफेक्ट भी दे सकती है। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो डू जॉइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू जॉइन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।